मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने विद्युत कंपनियों के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया। धरना देकर कंपनियों का निजीकरण नहीं करने की मांग की। मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार पांडे, क्षेत्रीय सचिव भगवान स्वरूप श्रीवास्तव ने केंद्र के प्रस्तावित कानून का विरोध करते हुए कहा कि इससे निजीकरण बढ़ेगा। पूर्व में भी इस संबंध में धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन में मांग की है कि प्रस्तावित कानून संसद में पारित नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह संविदा कर्मियों को नियमित करना चाहिए। आउटसोर्स कंपनियों का संविलियन कंपनी में होना चाहिए। कम शैक्षणिक योग्यता वाले कर्मचारियों को नहीं निकाला जाए। उपरोक्त मांगे पूरी नहीं होने पर 13 अगस्त से काम का अनिश्चितकालीन बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक वितरण केंद्र, प्रत्येक सब स्टेशन और प्रत्येक जिले स्तर पर जो मुख्यालय है, वहाँ के सभी कर्मचारी और अधिकारी आंदोलनरत है। और हम लोगों ने इसमें जो फ्यूज कॉल अटेंड नहीं करना, शिकायतें नहीं, उपभोक्ताओं की शिकायतें नहीं दूर की जाएगी, और राजस्व कलेक्शन जो बिल जमा नहीं किए जाएंगे, इसको लेकर पूरा हम लोगों ने 9 बजे से 5 बजे तक आज आंदोलन किया है। केंद्र शासन द्वारा विद्युत क्षेत्र को निजीकरण के हाथों में सौंपने के लिए जो विद्युत अधिनियम 2021 संसद में पारित किया जा रहा है, और उसमें न तो उपभोक्ताओं की कोई सलाह ली गई है, न कर्मचारी संगठनों की सलाह ली गई है, उसके वह किसी भी हालत में जनता और किसानों के हित में नहीं है, और ये सभी के लिए नुकसानदायक है। अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी नुकसानदायक है, उपभोक्ताओं के लिए भी है, और किसानों के लिए के बिल में के का भी विरोधी है ये बिल। इसके रोकने के लिए और हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट रखा। कर्मचारियों के अलग अलग संयुक्त मोर्चा में 17 संगठन है, और उनके द्वारा स्ट्राइक की जा रही है कि कंपनी का निजीकरण हो रहा है, तो उस बिल के अगेंस्ट में कर्मचारी अधिकारियों द्वारा स्ट्राइक की जा रही है।